और हमको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिला था. आई थिंक जब मैं बैटिंग करने गया तो 4/40 रन और 2 विकेट गिरे थे, तो मेरे लिए क्रूशियल था कि जाके मैं अपने पहले टाइम लूँ और जो मेरी रेंज में बॉल्स हैं उनको मारूंगी. तो आई थिंक अच्छी एग्जीक्यूशन यू नो. लेकिन जो काउंटर अटैक आपने करा एक टाइम पे जो वो सिक्सेस लगाए, तो उसके बारे में कुछ बताओ. आई थिंक वो प्लान नहीं था कि हम उस बॉलर को अटैक करेंगे या कुछ, बट इट जस्ट हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. जैसे उन्होंने मैं एक्सपेक्ट करा था कि वो मुझे बाउंसर मारेंगे, तो उन्होंने वही 2 बाउंसर मारे और आई थिंक रेंज में मारे, एक जो पुल मारा और एक जो पैर कट मारा. और डीके के साथ वो पार्टनरशिप, मतलब कैप्टन जब साथ में होता है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट. उन्होंने मेरे ऊपर से काफ़ी आई थिंक प्रेशर निकाल दिया था, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए तो मेजर रोल उन्होंने प्ले कर दिया, क्योंकि उन्होंने सारे मतलब हमारा तो रन रेट 9 का था, 5 पे ले आए, तो वो आई थिंक काफ़ी क्रूशल और काफ़ी बहुत अच्छी न्यूज़ थी.